देहरादून के मुख्यमंत्री आवास के जनता दरबार में कुछ दिन पहले जहां पर एक महिला शिक्षिका ने जनता दरबार में हंगामा किया था, ठीक उसी स्थान पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को सैकड़ों महिलाओं ने राखी बांधी। रक्षाबंधन से पहले हुए इस कार्यक्रम में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड में महिलाओं का बड़ा योगदान रहा है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। भाई बहन के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन के त्योहार में वो बेहद खुश हैं कि इतनी बड़ी तादाद में महिलाएं उन्हें राखी बांधने के लिए यहाँ पहुँची। रक्षाबंधन पर्व से पहले इस आयोजन में सुबह से ही सैकड़ों महिलाएं मुख्यमंत्री आवास पर पहुंची। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उनकी सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है और हमने राज्य में ऐसे कई कानून बनाए हैं जिससे कि महिलाओं पर हो रहे अपराध पर अंकुश लगेगा। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सरकार महिलाओं के लिए कई योजनाएं बना रही है जिससे कि उन्हें घर बैठे रोजगार भी मिल पाएगा। राज्य की सभी महिलाओं को रक्षाबंधन की बधाई देते हुए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि अगर उत्तराखंड में किसी राजनेता को यहाँ की सेवा करने का मौका मिलता है तो भाग्यशाली होता है क्योंकि यहाँ की शक्ति महिला शक्ति है। सीएम ने कहा कि रक्षाबंधन वाले दिन हर बार की तरह इस बार भी एक दिन के लिए रोडवेज की बसों में महिलाओं का किराया नहीं लगेगा। हमारी सरकार महिलाओं के लिए जो भी काम कर रही है आगे भी ठीक उसी तरह से काम जारी रहेगा। अपने उद्गार में व्यक्त किए, कई बहनें ऐसी थी कि जिनके परिवार में भाई नहीं, तो उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की, हमको आज ऐसा मौका मिला है। और संयोग ऐसा है कि मैं भी परिवार में सारे भाई भाई हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छा अनुभव हुआ जो जिस तरह से मैं अपनी भावनाएं प्रकट की हैं। ये बहुत पवित्रता का त्यौहार है। संवाद 365 के लिए देहरादून से कैमरामैन दिनेश कुमार के साथ अमित रतूड़ी की रिपोर्ट।